हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को भूना एग रोल की रेसिपी। ऐसे नॉर्मल एग रोल या फिर वेजीज एग रोल तो आप लोग बहुत ही खाए होंगे, ये एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी है जिसे भूना एग रोल बोलते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फुल इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डो बनाएंगे। तो मैंने लिया आटा, नमक इसमें डाला है और फिर मैं इसमें ले रही हूँ ऑयल और इसे अच्छे से हाथ से मिला देंगे और इसे ऐसे मुट्ठी बांध के देख लेंगे। देखिए ऐसे गोल बनने लगा है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जितनी पानी की ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, जैसे पूरी वूरी का आटा लगाते हैं वैसे ही गूंदना है इसे। तो बस हो चुका है, इसे मैं छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए गीला कपड़ा या फिर कॉटन का कपड़ा गीला या फिर किचन पेपर टॉवल को भिगा के और इसे ढक के छोड़ दें इसे। और मैंने लिया है एग भूना बनाने के लिए 2 बॉयल्ड एग और इसे मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग भूना एग तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे चॉप कर ले छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर मैं ले रही हूँ एक पैन, पैन में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दें। ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूमिन सीड्स। जैसे ही क्रैकल होने लगेगा मैं इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड करूँगी, बहुत ही छोटा छोटा कटा होना चाहिए। फिर इसे अनियन को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक के साथ भी इसे 10 सेकंड तक अच्छे से भूनेंगे प्याज को। तो देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और सबको मिला देंगे एक साथ। इसे भूनेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप टोमेटो, टोमेटो भी बिल्कुल फाइनली चॉप होने चाहिए। फिर टोमेटो के साथ भी इसे अच्छे से मिला देंगे और भूनेंगे 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। तो देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है ये मसाला। अब इसमें हम लोग ये फेटा हुआ दही, अच्छे से मैंने इसे फेट लिया था 1 चम्मच दही को, फिर इसमें ऐड करेंगे। और इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल भी लो कर दें, नहीं तो दही फट जाएंगे आपके। और इसे लगातार चलाते रहें। देखिए चलाते चलाते बहुत ही अच्छे से घुल गया है दही इसके साथ। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो कटा हुआ एग और एग के साथ मसालों को अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला देंगे 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून देंगे मीडियम फ्लेम पे। बस हो गया आपका एग भूना तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है ये। आप इसे ऐसे भी पराठे वराठे के साथ खा सकते हैं। फिर हम लोग ऑमलेट बनाएंगे। तो ऑमलेट के लिए मैंने लिया है 2 एग, इसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, फिर इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छे से व्हिस्क कर लें। फिर एक ऑमलेट तैयार करेंगे हम लोग। और ऑमलेट को दोनों तरफ से, ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से पकाना है, बस इसे डालें और इसे अच्छे से पलट के आप मोड़ भी सकते हैं, मोड़ के दोनों तरफ पका लें क्योंकि हम लोग आगे इसे कट करेंगे। तो ऐसे ही फुला फुला अच्छा सा ऑमलेट तैयार कर ले और फिर इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें इस तरीके से। अब डो तैयार किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग इसकी रोटियां तैयार करते हैं। तो बस ऐसे ही लोई ले ले छोटे छोटे और चारों तरफ से बेलते हुए रोटी के जैसे इसे तैयार करें। अगर आपको लगता है कि चिपक रहा है तो आप इसमें सूखा आटा या तेल जो भी हो आप डाल सकते हैं। देखिए सब तैयार हो गए, हम लोग इसे सेकेंगे बट बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे,
इसे रोटी के जैसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ना ही इसमें तेल लगाना है। मीडियम फ्लेम पे बस ऐसी वाइट वाइट लेयर आने तक इसे दोनों तरफ से पका लें। फिर हम लोग इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो रोटी बनाए हैं वो लेंगे, फिर हम लोग जो ऑमलेट का कटिंग बनाए थे वो लेंगे, फिर इस पे डालेंगे भुना हुआ एग जो हम लोग तैयार किए थे, 1-2 स्पून जितना भी हो सके, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना। फिर इस पे हम लोग चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, चॉप्ड क्यूकम्बर ऐड करेंगे, फिर ऊपर से इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला और इसे अच्छे से रोल कर देंगे दोनों तरफ से मोड़ के इसके ऊपर वो टूथपिक जो आती है ना वो आप लगा दें। ये कितना बढ़िया लग रहा है ये देख के, बिल्कुल भरा भरा सा रोल। तो देखिए ये तैयार हो गई है और इससे दोनों तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे सेलो फ्राई। तो मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें हम लोग इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और धीमे धीमे चारों तरफ से ऐसा ही ब्राउन लेयर आने तक इसे पकाएंगे और पैक अच्छे से करें ताकि ये खुले ना, टूथपिक 2 या 3 जितना भी हो वो लगा दें और चारों तरफ से इसे ऐसे ही पलट पलट के पका लें। और ये पहले ही थोड़ा सिका हुआ है तो कच्चा नहीं रहता है बिल्कुल भी। देखिए ऐसा ही क्रिस्पी रोल आपका बन के तैयार होगा बिल्कुल। तो ये हो चुका है, मैं दिखाती हूँ इस पर कितना बढ़िया लेयर चढ़ा है। तो देखिए इस तरीके से ब्राउन लेयर जैसे इसे चारों तरफ से पका लेना है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए आपका गर्मा गर्म एक भुना रोल तैयार है। घर में इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही डिफरेंट लगता है खाने में। तो मैं एक रोल आपको काट के दिखाती हूँ इसके अंदर कितना बढ़िया लेयर चढ़ा है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ट्राई ज़रूर करिएगा घर में एक बार। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।